नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। आज चमोली समेत 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश में मौसम के मिजाज में दिन ब दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 जिलों में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। शेष अन्य जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कुछ पहाड़ी जनपदों का मौसम आज भी बदला सा रहेगा। बात करें अगर प्रदेश के तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है आज प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ पैसों का ही बदलाव देखा गया है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 11 पैसे की कमी आई है, जबकि डीजल के दाम में 13 पैसे की कमी देखी गई है। हरिद्वार में पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, जबकि डीजल के दामों में 28 पैसे की कमी आई है। उधर हल्द्वानी में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बात करें देहरादून की, तो कल पेट्रोल के दाम थे 89.90, वहीं आज के दाम है 89.79। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82.16, वहीं आज के दाम है 82.03। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89.30, वहीं आज के दाम है 89.30। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.51, वहीं आज के दाम है 81.23। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89.33, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.56, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से नवाजे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेरा वीक सम्मेलन 2021 में अपना मुख्य भाषण भी देंगे। उत्तराखंड बजट सत्र। गैरसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का आज पांचवा दिन सीएम त्रिवेंद्र के पेश किए गए 57,400 करोड़ रुपए के बजट पर होगी चर्चा। आनंद अखाड़ा की पेशवाई। आज धन नगरी हरिद्वार में श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की पेशवाई शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले निरंजनी और जूना अखाड़ा निकाल चुके हैं भव्य पेशवाई। ऋषिगंगा पुल को खोला जाएगा। चमोली जिले में आई जल प्रलय में बही ऋषिगंगा नदी के पुल को आज फिर से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने पुल तैयार कर दिया है। इस पुल के बनने से आपदा के बाद मुख्यधारा से कट गए चमोली जिले के 13 गांव एक बार फिर से जुड़ पाएंगे। हल्द्वानी रामनगर के युवाओं की भर्ती। सेना की ओपन रैली भर्ती रैली में भाग लेंगे हल्द्वानी और रामनगर तहसील के युवा। रानीखेत में चल रही सेना की ओपन भर्ती रैली। नाटा 2021 में शुरू होंगी रजिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा 2021 के लिए पंजीकरण आज से ऑनलाइन मोड में प्रक्रिया शुरू करेगी। nata.in पर शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। SBI करेगा प्रॉपर्टी की नीलामी। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए आज से मेगा ऑक्शन शुरू कर रहा है। इस बार की नीलामी में करीब 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाई जा सकती है, जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी शामिल है। बजट 2021 वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर सुशील कुमार बोले, जनता के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से गुरुवार को गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधानसभा भवन के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। इस वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 57,400 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया, जिसमें सरकार ने युवाओं के साथ ही किसानों और प्रदेश के हर नागरिकों को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वास्तव में यह बजट जनता के लिए कैसा है। बैंक धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 साल से था फरार। SBI बैंक से लाखों रुपए की धोखाधड़ी में शामिल 1 साल से फरार शातिर आरोपी नवीन गर्ग को थाना वसंत विहार ने कोलागढ़ कैंट देहरादून से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जिला कारागार भेज दिया है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस पहले ही दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दिव्यांग छात्र देव थापा ने राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में दिखाया कमाल, हासिल किया 2रा स्थान। अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए सक्षम होता है, भले ही वह दिव्यांग हो। हम बात कर रहे हैं एक दिव्यांग बच्चे की, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। इस बच्चे ने राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड की ओर से प्रतिभाग किया। इस दिव्यांग खिलाड़ी ने अपनी उम्र से 2 गुने खिलाड़ियों को मात देकर प्रतियोगिता में 2रा स्थान हासिल किया। अब इस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल चयन हुआ है। हरिद्वार दरगाह से लौट रहे परिवार की कार दीवार तोड़कर गंग नहर में गिरी, 4 लोगों की मौत। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक कार गंग नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह सुबह सड़क पर आधम का हाथी, विधानसभा अध्यक्ष के घर के पास की तोड़फोड़। ऋषिकेश में आज सुबह एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आधम का हाथी ने विधानसभा अध्यक्ष के आवास के समीप एक गेट को तोड़ दिया। हाथी को देखकर वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप मच गया।
प्रदेश में तीसरे दौर का कोविड टीकाकरण अभियान, कहीं कहीं अव्यवस्थाओं से लोगों में नाराजगी। प्रदेश में कोरोना के तीसरे दौर का टीकाकरण अभियान चल रहा है। डीएम रुद्रप्रयाग ने 100% वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। वहीं बागेश्वर में बुजुर्गों ने टीकाकरण अभियान में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। सैनिक कल्याण संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी। विभागीय संविदा की मांग को लेकर जिला सैनिक कल्याण विभाग एवं पुनर्वास विभाग के संविदा कर्मचारी चौथे दिन में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। दो सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। नाबालिग भाई के साथ ट्यूशन जा रही बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस आरोपी तलाश में जुटी। नगर के निकटवर्ती क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी सेना की वर्दी पहने एक युवक ने सुनसान जगह पर उसे दबोच लिया। उसके बाद आरोपी ने पहले बच्ची को तलवार दिखाकर डराया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के नाबालिग भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। परिजनों की तहरीर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टिहरी चंबा मोटर मार्ग पर खाई में गिरी कार, चालक घायल। चंबा कांडीखाल मोटर मार्ग पर बोर गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में सिर्फ चालक सवार था, उसे हल्की चोटें आई हैं। निजी वाहन से उसे PHC चंबा भर्ती किया गया है। चालक की पहचान विनोद राणा पुत्र विशन सिंह के रूप में हुई है। विनोद राणा नकोट थौलधार का रहने वाला बताया जा रहा है। साइबर क्राइम रोकने के लिए SSP की पहल, पैम्पलेट बांटकर किया जाएगा जागरूक। साइबर क्राइम से लोगों को जागरूक करने के लिए SSP की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। नैनीताल पुलिस 35,000 पैम्पलेट छपवाकर घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। महाकुंभ 2021 आज निकलेगी पंचायती आनंद और दशनाम आवन अखाड़े की पेशवाई। हरिद्वार महाकुंभ से में आज श्री पंचायती आनंद अखाड़े और श्री दशनाम आवन अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। दोनों पेशवाई शहर के अलग अलग जगह से निकाली जाएगी। कोविड काल में दिनरात ड्यूटी करने वाले वॉरियर्स पर नौकरी छीनने का संकट, DM से लगाई फरियाद। स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगंदड़े से मिलने पहुंचे। कर्मचारी ने DM से उन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की मांग की है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को देश भर में तीसरा स्थान, CSI सर्वे के नतीजे आए सामने। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स के सर्वे में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है। देश के 50 एयरपोर्ट पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स द्वारा प्रत्येक 6 माह में सर्वे किया जाता है, जिसमें निर्धारित मानकों पर खड़ा उतरने के बाद एयरपोर्ट को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सर्वे में एयरपोर्ट की साफ सफाई से लेकर वॉशरूम, चेकिंग, रेस्टोरेंट, वाईफाई और हवाई पैसेंजर मिलने वाली सुविधाएं शामिल हैं। ससुरालियों के अत्याचार की इंतहा, देवर ने किया दुष्कर्म, पति समेत 4 पर FIR। हल्द्वानी की एक महिला ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, साथ ही देवर पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत, कॉर्बेट प्रशासन में मचा हड़कंप। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सरपदुली रेंज में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार मूल्य वृद्धि पर यूनियन ने माल भाड़े की वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार वृद्धि के चलते खटीमा ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने खटीमा से बाहर जाने वाले माल भाड़े में वृद्धि की है। नीति आयोग ने उधम सिंह नगर जिले को पुरस्कार में दिए 3 करोड़ रुपए। समीक्षा के दौरान जिला प्रशासन ने नीति आयोग को 2 प्रोजेक्ट प्रेषित किए थे, जिसे नीति आयोग की एम्पावर कमेटी ने स्वीकृति दे दी है।